हेलो बच्चों, मैं भाई सांडिल्या फिर से एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बच्चों, आज का टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आज हम लोग यही टॉपिक देखेंगे और पूरी तरह से समझेंगे, है ना, ताकि दोबारा इसे भूले नहीं। बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बच्चों, हम लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट में देखा था टाइप्स ऑफ साल्ट, है ना। आज हम लोग देखते हैं कि साल्ट जो होता है, सॉल्युबिलिटी के आधार पर बहुत सारे ऐसे साल्ट होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और बहुत सारे साल्ट ऐसे होते हैं जो कि एस्पायरिंगली सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हाई सॉल्यूबल। हाई सॉल्युबल में होता है ऑल नाइट्रेट। नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, है ना। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट है, पोटासियम नाइट्रेट है ना, लिथियम नाइट्रेट है। तो ये सभी साल्ट जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, कंप्लीट सॉल्युबल होता है, यानी हाई सॉल्युबल होता है ना। इसके बाद ऑल मेटल, जैसे हो गया लिथियम, हो गया सोडियम, हो गया है ना, पोटासियम हो गया, ईटीसी, है ना, आर सॉल्युबल। अब लिथियम आयन, मेटल आयन कर दीजिए बच्चों, है ना। लिथियम आयन, लिथियम LiCl बनाएगा, NaCl बनाएगा, KCl बनाएगा। तो कहता है कि मेटल क्लोराइड हो या मेटल नाइट्रेट हो, ये सभी जो होता है हाईली सॉल्युबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी साल्ट हैं जो कि एस्पायरिंगली सॉल्युबल, एस्पायरिंगली मीन्स होता है कम सॉल्युबल या नहीं के बराबर भी, है ना। जैसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे एस्पायरिंगली सॉल्युबल, है ना। इसमें हो गया जैसे AgCl हो गया, AgBr हो गया, या AgI हो गया, है ना। ये सब साल्ट जो होता है बच्चों, वो एस्पायरिंगली सॉल्युबल होता है या नॉट सॉल्युबल भी कर सकते हैं, इनसॉल्युबल भी बोल सकते हैं। तो कहता है कि आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हाईली सॉल्युबल को नहीं लेंगे। किसको लेंगे बच्चों? एस्पायरिंगली सॉल्युबल को लेंगे। तो हम लोग देखते हैं आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या, इसको नोट किया जाए बच्चों। अब हम लोग देखेंगे एस्पायरिंगली सॉल्युबल जो साल्ट है उसके बारे में। जैसे मान लिया बच्चों AgCl हम लोग लेते हैं, है ना, AgCl, है ना। इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, है ना। तो ये डिसोसिएट होगा, Ag+ और Cl-, है ना, Ag+ और Cl-। बारीकी से नज़र रखेंगे, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा। अप्लाइंग
अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, के है ना बराबर ए जी प्लस का कंसेंट्रेशन, सी एल माइनस का कंसेंट्रेशन, ए जी सी एल का कंसेंट्रेशन, है ना। अगर कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी ए जी प्लस सी एल माइनस बराबर के इंटू ए जी सी एल, है ना। अब इसको बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, ए जी प्लस सी एल माइनस इजकल टू के एस पी, इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। यानी यहां लिख दीजिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, है ना। अब बच्चों इसको बारीकी से ध्यान देंगे, कहता है कि द मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए जी सी एल कैन बी टेकन एज कॉन्स्टेंट। कहता है कि मोलर कंसेंट्रेशन ए जी सी एल को कांस्टेंट कर देते हैं, है ना। तो कहता है कैसे, तो कहता है बिकाउज ऑफ वेरी बिग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बहुत ही बिग इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिसोसिएशन बच्चों, है ना, पार्शियली बहुत ही कम होता है, उसको बिग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। देयरफोर द प्रोडक्ट, किसी कांस्टेंट इस पार्ट को कांस्टेंट कर दिए तो ये भी पार्ट तो मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी द प्रोडक्ट ऑफ के एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए जी सी एल विल बी ऑल्सो कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ओके, है ना। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ के एंड ए जी सी एल, है ना, इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट। नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा और ध्यान देंगे, है ना, ए जी सी एल कॉन्स्टेंट है इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जो है कॉन्स्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, निश्चित ताप पर, है ना। इस दोनों के प्रोडक्ट के कॉन्स्टेंट को हम लोग कहते हैं के एस पी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं Ag प्लस और Cl माइनस, ये दो आयन है ना, ये दोनों प्राप्त होता है डिसोसिएशन ऑफ AgCl, और ये जो है कांस्टेंट है, इसका भी मोलर कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। कहता है कि Ag प्लस Cl माइनस, है ना, कंसेंट्रेशन आल्सो कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट, ओके। तो इसको भी थोड़ा सा लिख लिया जाए बच्चों। The molar concentration
ऑफ ए जी एंड सी एल बिलवी ऑल्सो कॉन्स्टेंट. दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज आयनिक तो बच्चों इसमें दो पार्ट है ना. जैसे एक बार फिर से यहां देख लीजिएगा कि AgCl का डिसोसिएशन हुआ Ag प्लस Cl माइनस के एक्सप्रेशन लिखेंगे K बराबर Ag प्लस Cl माइनस डिवाइडेड बाई AgCl. कहता AgCl माइनस है ना, इसको बोलेंगे बच्चों आयनिक प्रोडक्ट. आयनिक प्रोडक्ट है ना. और इस पार्ट को यानी के ए दोनों के प्रोडक्ट को है ना, के इंटू ए जी सी एल है ना, ए जी सी एल और के ए दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे के एस पी. इसी को कहते हैं बच्चों आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. और हमेशा याद रखिएगा वह साल्ट को लेंगे जो एस्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट होगा. इसी के साथ बच्चों धन्यवाद.